बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति में आए बड़े बदलाव के खबर के साथ। एनसीपी ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शरद पवार ने इसका ऐलान किया और सुले को पंजाब और हरियाणा की भी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ समय पहले ही शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि पार्टी नेताओं के दबाव में उन्होंने इस्तीफा वापस भी ले लिया था। वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स राज्य जो है उनका काम दूसरे के पास और दूसरे राज्यों को काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बांट जो है बांट दिया गया है काम ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहे हैं तो वो काम करने के लिए चलिए अब इसी पर विस्तार से बात करते हैं। हमारी सहयोगी सृष्टि अटकरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, 2024 की तैयारी और ये हलचल कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? 2024 की तैयारी ही मान सकते हैं इस चीज को, जिस तरह से आज सुप्रिया सुले जो एमपी है और प्रफुल्ल पटेल उनको वर्किंग प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया गया है शरद पवार के द्वारा। आज आपको बता दें 25वीं सालगिरह बोल सकते हैं हम एनसीपी पार्टी की है। उसी का एक कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा था, उसी के तहत उन्होंने अनाउंस कर दिया सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को। हालांकि सुप्रिया सुले जो है वो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और महिला जो विभाग है और लोकसभा का जो कार्यकार है वो संभालेगी, और प्रफुल्ल पटेल जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा जो है संभालेंगे। तो बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दोनों को। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को साइडलाइन करने की ये कोशिश है, ऐसा बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है। ये जो पार्टीज है, एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये परिवारवाद करती है। और वही देखने यहाँ पे मिल रहा है कि जिस तरह वर्किंग प्रेसिडेंट का जो पद है वो सुप्रिया सुले को दिया गया शरद पवार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि परिवारवाद, अपना अपने परिवार में ही जो है उन्होंने चुना है अजीत पवार को, जो है साइडलाइन किया गया है। हमने कुछ दिनों पहले ये भी देखा था कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया था और फिर अपने पार्टी वर्कर्स, कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर उन्होंने फिर अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर्गत चर्चा यही थी कि किसी ना किसी को जो है उस पोजीशन पे रखा जाएगा। आगे की तैयारी जो है वो डिसाइड करने के लिए 24 के जो इलेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र में भी जिस तरह सत्ता बदली और फिर बाद में जो है शिंदे और बीजेपी का अलायंस हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है इस बार एनसीपी को, कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, महाविकास आघाड़ी को पूरी तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की। इसी के तहत हम देख सकते हैं कि आज सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों को जो है वर्किंग प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया गया है शरद पवार के द्वारा। सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मामले की अपडेट देने के लिए। चलिए अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं।